किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहली बार सवाल पूछा गया तो हुड्डा का जवाब सुनिए। हुड्डा साहब, आप लगातार ये कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी का नतीजा है आप सरकार से चली गए हैं। गुटबाजी का ही नतीजा है किरण चौधरी आज भाजपा में चली गई और अभी भी अलग अलग से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। आज भी मैं कह रहा हूँ क्या है वो तो उनसे पूछो क्यों है वो पूछो पूछो क्या टिकट हाई कमांड ने दी है मैंने नहीं दी। कई दफा कह चुका आपको तो हाई कमांड से नाराज होंगे फिर। अरे कितने पार्टी छोड़ के आगे क्या है उसमें जो अपनी जिसको अपना फ्यूचर कहीं अच्छा लगता होगा चला जाएगा। अब मैं स्वार्थ में कोई कहीं जाए अब कौन से परिवार की बात कर रहे थे वो और परिवार का कब्जा कहाँ पे हो गया कहाँ पता नहीं। उस कंट्राडिक्टी है ना एक परिवार की बात कह रहे एक परिवार को स्थापित करने की बात कह रहे कोई वो नहीं है। मेरे इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं पड़ता। मैं उनकी इच्छा है वो चलेगी कोई बात नहीं। तो वो तो भाई मैं ये तो नहीं कह सकता मनोज राज जी कह रहे हैं तो सच्ची कह रहे होंगे। मैं क्या कह सकता हूँ मैं उनको थोड़ा कह सकता हूँ कि मनोज राज जी झूठ बोल रहे हैं सच्ची कह रहे होंगे। आपको भी लगी कोई ऐसी बात कि वो बीजेपी के लिए मन से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? नहीं मैं तो ऐसी बात कही नहीं लगती तो मैं कह देता। राज्यसभा चुनाव में उनकी भूमिका साफ थी पिछला राज्यसभा चुनाव में भूमिका साफ थी वो जवाब तो उन्होंने दे दिया। खट्टर साहब ने कह दिया कि भाई आत्मा हमारे साथ थी जो अभी आपने पूछा वहां तो शरीर ही था तो और उन्होंने ये कह दी कि मेरे प्रेरणा स्रोत मनोहर लाल खट्टर जी हैं चौधरी बंसीलाल जी तो है नहीं तो वो तो पहले क्वेश्चन मैंने तो कहा है कि राज्यसभा में क्या डील हुई है वो तो वही बता सकती है।